हेलो भाई, नमस्कार। आज एक नई खबर निकल के आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक नई खबर बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आंगनवाड़ी से जुड़ी हर खबर आपको दिखाई जाती है। तो आई होप आपको आंगनवाड़ी से रिलेटेड खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आंगनवाड़ी सेंटर महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत, यानी नई दिल्ली से ये खबर निकल के आ रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों के सभी 11 जिलों में होने वाले महिलाओं और बच्चों को पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत जो पका हुआ भोजन और टेक होम राशन, तो उसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स में खाना सप्लाई की स्थापित की जाएगी। और बड़ी रसोई केजरीवाल सरकार ने भी EI को मंजूरी दे दी है। तो ये खबर दिल्ली से निकल के आ रही है। तो आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा कि ये महिला जो है बच्चों को पका पकाया हुआ भोजन दे दे रही रही है। हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे जान लेते हैं। तो ये खबर है नई दिल्ली की। महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली के सभी 11 जिलों के आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी सेंटर पर महिलाओं और बच्चों को पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत पका हुआ भोजन व टेक होम राशन देने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI आमंत्रित करने को मंजूरी दे दी है। EOI दिशा निर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी स्वयं सहायता समूह SSGs तथा स्थानीय महिलाओं की भागीदारी के साथ बड़ी रसोई और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने और संचालित करने के लिए संसाधन रखने वाले सभी संगठन इस आमंत्रण में भाग ले सकते हैं। मौजूदा प्रणाली 15 साल पुरानी है और मुख्य रूप से गैर लाभकारी संगठनों NPOs द्वारा संचालित है, और ज़्यादातर मामलों में उनके द्वारा नियुक्त महिलाएं स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित होने के बजाय केवल अकेली कार्यबल बनी नहीं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने हाल में ही दिल्ली के कई आंगनवाड़ी केंद्रों को रसोई का दौरा किया। इसके बाद कई बैठकों के बाद उन्होंने विभाग को स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों या महिला समूहों की प्रभावी और कुशल भागीदारी सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश विकसित करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद तैयार किया गया दिशा निर्देश पूरक पोषण की आपूर्ति के लिए देश में संचालित विभिन्न मॉडलों के अध्ययन और विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति से प्राप्त सिफारिशों पर आधारित है। नए दिशा निर्देश पूरक पोषण की आपूर्ति में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सेवाओं की गुणवत्ता मानकीकृत तंत्र स्टैंडर्डिफिकेशन प्रक्रिया खाद्य लेबलिंग पैकेजिंग और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दिल्ली में 95 परियोजनाओं के तहत 10,897 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें लगभग 9.5 लाख महिलाएं और बच्चे पंजीकृत लाभार्थी पूरक पोषण के हकदार हैं। कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों को एकीकृत व्यापक सेवा वितरण के लिए सहेली समन्वय केंद्र नामक हब में मिला दिया गया है, जो आंगनवाड़ी सेवाओं के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के अलावा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति पूरक पोषण कार्यक्रम के प्रभावी कामकाज के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल में सुनिश्चित करेंगी। विभाग स्तर पर एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी, जो भागीदारी की निगरानी करेगी, उनसे जुड़े संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी। विभाग द्वारा गठित मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी मॉनिटरिंग कमेटी समय समय पर योजना अंतर्गत लाभार्थियों के नामांकन हेतु मोबिलाइजेशन एवं पोषाहार वितरण की भी जाँच करेगी। तो आई हो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें एवं शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारी वीडियो के लिंक पड़ी होगी। आपको कोई वीडियो उसमें पसंद आती है तो लिंक पे क्लिक करके आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।